स्वागत है आप सभी का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान के अंदर। और हमारा महापर्व दीपावली का पंच दिवसीय महापर्व चल रहा है, इसका पांचवा दिन होता है भैया दौज। भैया दौज हमारा इस पंच दिवसीय त्यौहार का अंतिम दिन होता है। तो भैया दौज के बारे में एक कथा है कि पौराणिक काल में यमराज जी को अचानक अपनी बहन यमुना की याद इस दिन आई, और यमराज जिन्हें धर्मराज भी कहा जाता है इस दिन अपनी बहन यमुना से मिलने के लिए उनके घर पहुँचे। और जब यमराज यमुना के द्वार पर पहुँचे तो माता यमुना ने भी उनका खूब आव भगत सत्कार किया, और उससे प्रसन्न होकर यमराज जी ने यमुना को भेंट देना चाहा, तो यमुना ने एक वर मांगा कि जिस इस दिन जो बहन और भाई का टीका करे उस दिन उस पर यम का कष्ट ना झेले। तो यह वर से यमराज अति प्रसन्न हुए और उन्होंने यमुना को यह वर दिया कि जिस दिन भी कोई भाई या बहन अपने भाई का टीका करेगी या भाई बहन के घर जाकर टीका करवाएगा तो इस दिन उसे यम के संकट से उसकी रक्षा होगी, उसे यम की ताड़ना नहीं मिलेगी। ऐसा वचन देकर कर यमराज चले गए और इस प्रथा का शुभारंभ हो गया। हमारे सनातन धर्म के अंदर हर रिश्ते को महत्व दिया गया है। भाई बहन का दो त्यौहार मनाए जाते हैं, एक रक्षाबंधन मनाया जाता है और एक भैया दौज मनाया जाता है। यह इनके प्रेम का प्रतीक है, लेकिन दोनों में एक अंतर है। वह अंतर है कि रक्षाबंधन के दिन बहन जो है वह भाई के घर जाती है, और भैया दौज के दिन भाई बहन के घर उसके कुशल क्षेम पूछने के लिए जाता है। इसलिए यह दिन जो है वह भाइयों के लिए बहन के घर जाने के लिए बनाया गया है। इसलिए दोनों त्योहारों में एक इसका कारण भी यह था कि अगर यह त्यौहार ना हो तो रिश्ते आपस में ना मिलें और ये दूर दूर रहें, लेकिन इससे आप एक दूसरे से प्रेम बना रहे, सौहार्द बना रहे और रिश्तों में मिठास हो। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में इस चीज़ की त्यौहारों की व्यवस्था करी गई कि ताकि इनमें प्रेम अवश्य बना रहे। लेकिन इस बार भैया दौज पर हम आपको बताते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या है। इस बार भैया दौज पर भाई की टीका करने का शुभ मुहूर्त है दोपहर में 1:18 से लेकर 3:10 तक। यह शुभ मुहूर्त भाई का टीका करने के लिए, तिलक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, और इस मुहूर्त में बहन भाई का मिष्ठान थाली में रखकर एक दीप प्रज्वलित कर और एक गोला वह समृद्धि के रूप में उसे भेंट करती है, उस पर तिलक कर और भाई को वह भेंट करे और भाई के मस्तिष्क पर लाल रोली से या सिंदूर से तिलक कर उस पर अक्षत लगाती है ताकि, और उसके प्रार्थना करती है कि मेरा भाई सलामत रहे और उसकी खुशहाली के लिए, उसकी वृद्धि के लिए प्रार्थना करती है। और इसी में खुश होकर भाई भी अपनी बहन को खुशहाली और समृद्धि के लिए कुछ ना कुछ दान देता है अपनी स्थिति के अनुसार, और उसकी प्रार्थना करता है कि मेरी बहन का घर भी खुशहाल और सुखमय हो। तो ऐसा प्रेम का पर्व है भैया दौज, और यह बहन भाई के अटूट अटल प्रेम का प्रतीक है। तो इस प्रेम के बंधन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। और हमारे चैनल को जो लोग नहीं जुड़े हैं या नए जो लोग आए हैं वह सब्सक्राइब करें, और लाइक शेयर कमेंट भी हमारे इस ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को करते रहें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।